क्योंकि बाइबल किसी चर्च का नहीं है, बाइबल जोर से बोलो, बाइबल किसी चर्च का नहीं है। हमारा चर्च का बाइबल है क्या? जोर से बोलो, है क्या? नहीं। सच्चाई चीज को सुनो, वचन को सुनो, जो आपको अच्छा लगता है उसको ले लो। अगर आपको यहाँ पे कुछ खराब लगता है तो इधर फेंक दो। अभी आपको साउंड सिस्टम थोड़ा खराब लग रहा है तो उसको इधर ही फेंक दो। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो लेके चला जाओ। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल में कहता है फिलिपियन चैप्टर में, फिलिपियन चैप्टर 4:8 में लिखा है, जो जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो जो तुम्हारा आत्मिक जीवन के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छा है, वो चीज को अपने जीवन में कलेक्ट करो। बुराई को नहीं परंतु अच्छाई को ढूंढो। आमीन। गौर से बोले आमीन। वो बच्चा को थोड़ा पढ़ के हम अपना आगे बढ़ेंगे। फिलिपियन चैप्टर 4:8 इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहानी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बात सच्चाई है, बोलो जो जो बात सच्चाई है, जो जो बात सच्चाई है, जो जो बात सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, उसी को एक्सेप्ट करो, उसी को एक्सेप्ट करो, उसी को सच्चाई को मत फेंको। सच्चाई को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो एक दिन आप सच्चाई बन जाओगे। ताली नहीं बज रहा देखो। हालेलुया। जो सच्चाई है, जो आपका विश्वास के लिए जरूरत है, उस चीज को एक्सेप्ट करो। और आगे आप और जो बातें आदरणीय है, आदरणीय जो आपका लाभदायक है, ओ ये वचन मेरे लिए था, उसको आप ले लो। और जो जो बातें उचित है, जो सही है, ओ सब कुछ ये सच्चाई है, ये जो बोला ये सही है, ये वचन सही है, बाइबल सही है, उसी को ग्रहण करो। और जो जो बातें पवित्र है, जो होली है, आपको भी पवित्र बना सकता है, ऐसा ऐसा चीज को आप एक्सेप्ट करो। और जो जो बातें सुहानी है, सुहानी है मतलब जो आपका फायदेमंद के लिए है। और जो जो बातें मनभावनी है, यस, अर्थात जो जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, सद्गुण और प्रशंसा, जो आपका फायदा, परमेश्वर का फायदा के लिए है, समाज का फायदा के लिए है, उसी को ग्रहण करो। आमीन बोलो जोर से। सबने वालों बोलिए, ये वचन आपके लिए है। यीशु आपको बात कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सब एक चीजें खड़ा हो जाओ, अपन भी खड़ा हो जाओ, आगे आओ यार, इतना खाली है, आगे आओ। बड़े जोर से बोलो। जो क्रिश्चियन है वो क्लाइमेट का अनुसार चलता है। बारिश आने से चर्च में बिलीवर कम होता है, बारिश आने से चर्च में बिलीवर। लास्ट संडे में चर्च पूरा फुल था लास्ट तक, लेकिन आज सुबह बारिश था इसलिए बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। और गाना तो गाता है ना, गाना गाता है ना, आग हो या पानी हो तेरा साथ न छोड़ूंगा, बारिश आने से हम चर्च नहीं जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा धूप होने से चर्च नहीं आएगा, ज्यादा बारिश आने से चर्च नहीं आएगा। तो ये जो चीज है ना,
हम अपना मतलबी के लिए प्रभु को नहीं मान सकता है, वो हमारा परमेश्वर है। आमीन बोलो जोर से। चाहे बारिश आए चाहे आग आए, अगर यीशु से प्रेम करना है तो बारिश में भी आना है, धूप में भी आना है, तकलीफ में भी आना है, हम यीशु के साथ रहना है। जब हम यीशु के साथ रहेंगे तब वो हमारे साथ रहेगा। और ये सच्चाई है। आमीन। क्यों आप प्रभु का करीब आओगे तब ही गॉड आओगे। बाइबल में देखता है एक व्यक्ति वो अंधा था, और यस एक चैप्टर 9 वर्स 9 से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक व्यक्ति अंधा था और वो एक रूम के अंदर में वो 3 days ड्राई फास्टिंग देख रहा था। प्रेज़ उसका कोई जान पहचान नहीं था, उसका साथ कोई अपने लोग नहीं था, लेकिन जब वो अंधा था वो रूम में क्या करेगा नहीं करेगा बोल के वो कंफ्यूजन में था, वो डबल माइंड में था। आमीन। लेकिन जब वो 3 days फास्टिंग में था तो परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उसका लाइफ में भेज रहा था, और उस आदमी का नाम है अनानियस। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। हाथ लगे तो हालेलुया बोलो। मौसम ठंडा है तो आप ठंडा मत हो जाओ। मौसम ठंडा होने से भी क्या है, अंदर मंगा भी चल रहा है, याद रखना। आमीन बोलो जोर से। और आइए, वो 3 दिन तक न दल सका और न आया और न पिया। यस। 10वीं में हनन्या नामक एक चेला था, उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्या। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में साउल नामक एक तर्शसवासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना। सोल व्यक्ति एक सोल करके एक नाम है, और वो व्यक्ति एक रूम के अंदर में 9 से पढ़ा था ना मैडम? हाँ 9 से पढ़ा। वो 3 दिन तक देख ना सका और उसे ना खाया पिया ना। हाँ और आगे पढ़े। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि पीठ से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। देखो बाइबल में लिखा है, सोल एक दुर्घटना होकर, एक एक्सीडेंट या एक तकलीफ होकर वो रूम के अंदर में वो 3 days फास्टिंग में रहा है। क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? 3 days फास्टिंग में रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो डबल माइंड है, उसका लाइफ में बहुत सारा समस्या है, उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, आइडिया देने वाला कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आपको दूसरा भाषा में बोलेगा तो वो व्यक्ति पहले बदमाश था, ये पहले क्रिश्चियन लोगों का निंदा करने वाला था, पहले यीशु मसीह का लोगों को अगेंस्ट करने वाला था। लेकिन जब 3 days ड्राई फास्टिंग पे कर जब ये प्रार्थना कर रहा है, उसको आसपास के लोग उसका बारे में नहीं जान रहा है, उसका फैमिली उसको मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर एक व्यक्ति को बात कर रहा है, जाके देख एक व्यक्ति रूम के अंदर प्रार्थना कर रहा है, उसको जाके तुम मदद करो। ताली बजाओ जोर से। हालेलुया। एक सेकंड के लिए हनन्याह बोल रहा था, नहीं प्रभु मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वो खतरनाक है, वो बुराई है, वो अच्छा नहीं है, मैं उसको मदद नहीं कर सकता हूँ प्रभु। ये होगा ही नहीं, क्योंकि वो कभी सुधरेगा नहीं, ये ड्रामा कर रहा होगा, वो एक्टिंग कर रहा होगा। लेकिन गॉड ने बोला, नहीं हनन्याह, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तेरे जैसा उसको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो जो 3 दिन बैठ के मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है वो अपना मर्जी से नहीं, क्योंकि मैंने उसको चुना है, इसीलिए वो रूम का अंदर है, मैंने उसको चुना है, इसीलिए वो रह रहा है। जा तू मदद कर। कोई हालेलुया बोले जोर से, जोर से चिल्लाएगा, बोलेगा। और आगे मैडम, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है
कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांट ले। देखो हनेनियस बोल रहा है मैं उसका मदद नहीं करेगा, हनेनियस बोल रहा है मैं नहीं जाएगा, हनेनियस बोल रहा है नहीं वो खतरनाक आदमी है, बहुत खराब है, लेकिन गॉड बोल रहा है नहीं हनेनियस तुझे जाना पड़ेगा। आप ही बोलो जोर से, तुझे जाना पड़ेगा। क्यों क्यों तुझे जाना पड़ेगा? क्योंकि वो सोल जो रूम में बैठ रहा है वो मुझे प्रार्थना कर रहा है, वो मेरे लिए फास्टिंग दे रहा है, मैंने उसको चुना है। आप ही बोलो जोर से। मैं आपको कहना चाहता हूं अगर आप गॉड के लिए अपना लाइफ को दोगे, अपना सोच विचार को दोगे, आमीन बोलो जोर से। सर सोल रूम के अंदर में कोई पहचानने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं, कोई उसको जानने वाला नहीं, सिर्फ राइट नाम से उसको जानता था, अच्छाई में कोई नहीं जाना। प्रोफेसर सोल को कोई अच्छाई नाम से नहीं जानता था, बदमाश का लिस्ट में था। प्रोफेसर फिर भी वो अपने आप को रिपेंट होकर परमेश्वर के सामने गिर गिरा रहा था। प्रोफेसर अगर आज भी आप भी ऐसा सोल का जैसा आप बहुत तकलीफ में है, बहुत संकट में है, आपका नाम समझ में खराब है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ वो सोल का जैसा अगर आप रिपेंट होकर प्रभु के साथ फास्टिंग में बैठकर रोते हुए प्रभु को प्रार्थना करोगे तो एक दिन ऐसा दिन आएगा वो आपके जीवन में आएगा और वो आपको मदद करेगा। जोर से ताली बजा। वो अंधा था लेकिन उसको भी एक सपोर्ट का जरूरत था, लेकिन उसको पता था मैं अंधा हूं इसीलिए तो वो फास्टिंग में था, वो जानता था मेरे पास कमी है इसीलिए गॉड के पास में था। अभी त्रास आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे प्रभु के बारे में नॉलेज नहीं है, मैं प्रार्थना करने नहीं जानता हूँ, मैं बाइबल पढ़ने नहीं जानता हूँ, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के साथ इन दिनों में टाइम और बिताना चाहिए, आपको और बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको फास्टिंग और ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि कमजोरी लोग ही जो कमजोर है वही तो प्रभु के साथ होना चाहिए ना। क्या घमंडी लोगों को प्रभु पसंद करेगा? जोर से बोलो घमंडियों को पसंद करता है? जो कहता है मैं नहीं सकता हूं, मैं नहीं जाएगा, हो जाएगा, मैं बहुत बड़ा पापी है, मैं आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक नंबर का महाघमंडी है। जो सोचता है मैं कमी हूं, मैं नहीं सकता हूं, फिर भी प्रभु ने मुझे प्रेम किया है, मुझे जीना है, यीशु के साथ जीना है, हर एक्टिविटी को मैं निभाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वही अंदर जिंदगी में आएगा, आपको रूह के अंदर से, आपको पाप के अंदर से वो आपको बाहर निकालेगा, एक दिन आप देखोगे अपना महिमा को। हालेलुया बोलो जोर से। क्या बस आप बीमार में है? क्या आप आज तकलीफ में है? क्या आज आप चिंता में है? क्या आप अकेला रो रहा है? आप और प्रभु के साथ थोड़ा टाइम मिलाओ, रुओ परमेश्वर के साथ। आमीन। लोगों को हेल्प मांगने में जाओ, लोग थोड़ा समय आपको मदद करेगा। हेलो, जब तक आप उसको खुश करोगे तब तक वो आपको हेल्प करेगा, जब आपको लगे उसको लगेगा कि आप ठीक नहीं है वो आपको आधा रास्ता में छोड़ के चला जाएगा, जब वो लगेगा कि आप धोखेबाज है वो आपको भूल के चला जाएगा, लेकिन हमारा एक प्रभु है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं जिसका नाम यीशु मसीह है, वो कहता है मैं जगत के अंत तक में तेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। आप देखिए हनेनियस नहीं जा रहा मदद करने के लिए, हनेनियस बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो बदमाश है, वो मर्डरर है, वो पापी है, लेकिन गॉड कहता है वो बदमाश है, वो पापी है, वो मर्डरर है, इसलिए तो मैंने उसको चुना है, तुझे जाना ही होगा। आप एक बोलो जोर से, सबने को बोलो आप अगर मजबूत बनोगे परमेश्वर ऐसा लोगों को भेजेगा आपका हर जरूरत को पूरा करेगा। हम किसके सामने रोता है हमको पता है, हम चर्च क्यों आता है हमको पता है, हम किसी मूर्ति का सामने नहीं है, हम किसी पेड़ का सामने नहीं है। यह सोल रूम के अंदर रो रहा था, आसपास के लोग मालूम नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने देखा है, परमेश्वर ने हनेनियास को बोला जा, मैंने उसको चुना है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हनेनियास यह
सो मैंने कभी पास में नहीं बैठा, कभी वो प्रभु के साथ टाइम नहीं बिताया। क्यों? क्योंकि वो मार पीट करने में उसका समय चला गया, पीने में समय चला गया, झगड़ा करने में चला गया। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया है, वो धीरे गॉड के साथ टाइम बिता रहा था। सब जाना को बोलो, परमेश्वर के साथ टाइम बिताओ, प्रभु के साथ रहो। परमेश्वर जिसको चुनता है, यीशु ही उसका मदद करेगा। आमेन बोलो जोर से। समझ में आया? काल को दूसरा मदद नहीं करता है, मुझे रोके मत आना। आमेन बोलो जोर से। अगर आज तक आप अकेला है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो याद रखना ये आपका कमजोरी है। एक बार बताओ मछली ने जोना को क्यों डाइजेस्ट नहीं कर सका है? मछली ने जोना को 3 दिन पेट में रखा है ना, रखा है ना? क्या वो मछली जोना को चबा सका है? जोर से बोलो, चबा सका है? उसको नाश कर सका है? नहीं कर सका है। आमीन बोलो जोर से। क्यों नाश नहीं कर सका आपको पता है? क्यों नाश नहीं कर सका पता है? क्योंकि जोना को परमेश्वर ने चुना है। जिसको गॉड चुनता है, उसको दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आज आप जोना जैसा किसी जगह में अंधकार में है, किसी तकलीफ में है, किसी यह सिचुएशन ऐसा है कि आप किसी को बता भी नहीं सक रहा है, वो हालत में जी रहा है, लेकिन मैं आज आपको यीशु के नाम से प्रोमिस कर रहा है, आप उस मसीह के तेल से जल्दी बाहर आओगे। जैसे बोलो हालेलुया। आपको एक ही काम करना है। आपको जानता है जोना मछली के अंदर 3 दिन तक भी वो कैसे जिंदा था? क्योंकि जोना 3 दिन तक मछली के अंदर में वो परमेश्वर को टाइम दे रहा था। हालेलुया बोलो जोर से। सब जाना को बोलो, परमेश्वर को टाइम दो, परमेश्वर को मन दो। अगर आप परमेश्वर को टाइम दोगे, परमेश्वर को मन दोगे, आपका समस्या, आपका तकलीफ, आपका गरीबी, आपका कमजोर, वो आपको डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। ताली बजा के यीशु के नाम पर।